सभी 25 जो हैं 22 छात्र और 3 शिक्षक निगेटिव। किस चीज़ से दोबारा जांच जो की गई सर, किस चीज़ से जांच की गई? वो भी उसी किट से, रैपिड एंटीजन से। लेकिन ऐसा कहाँ लापरवाही हुई सर, जो कि एक बार में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है फिर उसी शाम जो है निगेटिव आ जाती है? वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो कहीं ना कहीं है ना सर। इसको हम समझते हैं मानवीय भूल है, हो सकता है उन लोगों को समझने में दिक्कत हुई है, वो हम बात कर रहे हैं। कल स्कूल के बच्चों और शिक्षकों के कोरोना जांच के बाद 22 बच्चों और 3 शिक्षकों को COVID-19 पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि शाम होते होते उन बच्चों का दोबारा टेस्ट किया गया, जिसके बाद जो है कल ही 16 बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या हुआ था कल और आज किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। सर ये बताया जाए कल जो जांच की गई थी किन चीज़ों से जांच की गई थी और क्या पाया गया था? रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था कल और हमारे जो जाँचकर्ता थे उन्होंने वहाँ शिक्षकों का और छात्रों का जांच किया, उसमें करीब 25 में संदेहास्पद रूप से है ना उनको आया कि ये पॉजिटिव हो सकता है। तो बाद में चूँकि हमको मालूम हुआ किट सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था है ना, जो ये प्रक्रिया है उसके अनुसार, तो फिर बाद में हम कभी जांच किए 16 का बच्चों का और आज भी हम ये अभी पूर्ण हुआ तो सभी 25 जो हैं 22 छात्र और 3 शिक्षक निगेटिव। किस चीज़ से दोबारा जांच जो की गई सर, किस चीज़ से जांच की गई? वो भी उसी किट से, रैपिड एंटीजन से। लेकिन ऐसा कहाँ लापरवाही हुई सर, जो कि एक बार में 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है फिर उसी शाम जो है निगेटिव आ जाती है? वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो कहीं ना कहीं है ना सर। इसको हम समझते हैं मानवीय भूल है, हो सकता है उन लोगों को कुछ समझने में दिक्कत हुई है, वो हम बात कर रहे हैं। क्या सर जो जाँचकर्ता थे वो अनट्रेंड थे या उन्हें लीड करने वाले कोई नहीं थे? नहीं, वो पहले से भी कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में हम पूछताछ करके फिर कह सकते हैं। ये थे असरगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, इन्होंने कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है जांच टीम के द्वारा बरती गई है, और हालांकि अभी कुछ ही साफ कहने से ये बच रहे हैं और आगे जांच की बात कर रहे हैं। गोविंद कुमार, मुंगेर, बिहार तक।